महाकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है जी हाँ 1793 आप लोग की टोटल वैकेंसी है, जिसमें की ट्रेड्समैन मेट की 1249 और फायरमैन की 544 वैकेंसी। काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी कैंडिडेट है जिन्होंने की फॉर्म अप्लाई कर दिया जी हाँ। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या फिर जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इसके बाद आप लोग को तैयारी जी हाँ रिटर्न एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। सिलेक्शन आप लोग का फिजिकल और रिटर्न एग्जाम के बेस पे होने वाला है। फिजिकल आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि सिर्फ आप लोग को वहां पे क्वालिफाई करके आना है, लेकिन सिलेक्शन आप लोग का रिटर्न एग्जाम के बेस पे होगा। जितने अच्छे नंबर आप लोग के रिटर्न एग्जाम में होंगे उतने ज्यादा आप लोग के चांसेस होंगे यहाँ पे सिलेक्शन के। बहुत ही जल्द ये भर्ती आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी और एक जॉब आप लोग पा सकते हैं जी हाँ, अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। एक जॉब आप लोग को बहुत ही जल्द मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोग को मेहनत करनी होगी। बिल्कुल रिटर्न एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, प्रैक्टिस सेट है इसमें, 20 प्रैक्टिस सेट दिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए रिटर्न एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए, बहुत ही जल्द आप लोग को रिटर्न एग्जाम देखने को मिलेंगे। जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही जल्द भर्ती कंप्लीट होगी। बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल वालों का ये कहना है। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी तक कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है जी हाँ। और इसके अलावा लास्ट डेट आज 21 फरवरी 2023 को मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं वो समय आ गया है कि अब आप लोग की वेबसाइट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम पहले भी देखने को मिल रही है जी हाँ, स्टार्टिंग हो चुकी है फॉर्म अप्लाई करने में, और लेकिन आज के बाद समय ऐसा आएगा आप लोग के फॉर्म अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरा एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप लोग भी लास्ट दिन का वेट कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। एक अच्छी रिक्रूटमेंट से आप लोग हाथ धो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरा आज वीडियो देख रहे हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आज ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जाइए या फिर खुद कीजिए, जैसे भी कीजिए। मेरा वीडियो देखने के तुरंत बाद आप लोग इस काम को कर लीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं तो आगे आने वाले समय में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। 26 फरवरी 2023 आप लोग की लास्ट डेट है। वीडियो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, और आप लोग को पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से ही कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्म अप्लाई के बाद आप लोग को तैयारी या रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लगना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है। बिल्कुल आज 21 फरवरी 2023 की डेट है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। आज जो डाटा मुझे मिला है एओसी की वेबसाइट पे कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे आज 21 फरवरी 2023 तक 13.5 लाख कैंडिडेट है जिन्होंने की फॉर्म अप्लाई कर दिया है जी हाँ, 13.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और यदि वेबसाइट चलती रही तो ये मान के चलिए आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वेबसाइट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ये आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, 14.5 लाख जी हाँ, इससे ज्यादा आप लोग कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आप लोग देख लेंगे, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आप लोग के लिए ले गया हूँ। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलने वाली है। और यदि अप्लाई कर दिया है तो मैंने आप लोग को बता दिया कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाइए और तैयारी में लग जाइए। रिटर्न एग्जाम और तैयारी ऐसे कीजिए कि सिलेक्शन लेना है, अब की बार सिलेक्शन लेना है। काफी समय के बाद ही आप लोग को वैकेंसी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम एक और नई इन्फॉर्मेशन के टाइम के साथ। बट जाने से पहले आप लोगों से एक उम्मीद, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहो। ओके, थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।